कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए जो बूढ़े माँ बाप हैं उनके पास पहले से ही क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में उसी धारा 125 के तहत वो भी मेंटेनेंस मांग सकते हैं अगर वो अपना खुद का गुजारा नहीं कर, अपना खुद की देखरेख नहीं कर सकते हैं। तो ये बच्चों के ऊपर एक लॉ में ही ऑब्लिगेशन कास्ट की गई है कि उनको अपने माँ बाप का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर कोई बेटा बेटी अपने ठीक तरीके से उनके साथ ख्याल नहीं रखते हैं, उनको मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो वो 125 में मेंटेनेंस के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। रही बात डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, पहले जो उसकी धारा थी, डेफिनेशन थी, वो बड़ी ही रिस्ट्रिक्टेड थी कि हस्बैंड वाइफ रिलेशन का जो रिलेशनशिप है सिर्फ उसी कॉन्टेक्स्ट में ये दिया जा सकता था। लेकिन रिसेंटली अब ये हुआ है कि कोर्ट ने उस डेफिनेशन को एक्सपैंड कर दिया है, उसकी जो बढ़ा दिया है उस डेफिनेशन को, और उसके अंदर इवन जो एक माँ है वो अपने बेटे से भी मेंटेनेंस मांग सकती है अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। और कई कोर्ट्स ने इंटरप्रिटेशन की है कि जो वुमन डिफाइंड है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, वो उसमें सिर्फ एक मैरिड वुमन ही नहीं आती है, या वो ऐसी नहीं है कि जो एक मैरिटल रिलेशनशिप वाली रिलेशनशिप में कोई रह रहा हो, इवन उस डेफिनेशन को एक्सपैंड कर दिया गया है और काफ़ी सारी, मतलब जो महिलाएं जो ओल्ड एज हैं वो भी अपने बच्चों से, अपने बेटों से उसमें वो मेंटेनेंस मांग सकती हैं।